सीरियल नमकेश का आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। जब आप देखेंगे कि युग घर पहुंचता है तो लाखों सवाल उससे पूछे जाते हैं कि कहां था वो, फोन क्यों स्विच ऑफ था, क्या कर रहा था, काफी कुछ। ऐसे में युग किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए फोन स्विच ऑफ था। यहाँ पर जो है युग की माँ को सब पता है। युग की माँ जो है वो युग का फ़ोन लेती है और कहती है कि बैटरी तो पूरी है, फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर युग कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। यानी कि युग की माँ को मालूम है कि कहानी और युग शादी करने वाला है। आपको बताते चले कि यहाँ पर अब युग अपने रूम में जाता है और फिर कहानी को याद करने लगता है। इसके पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से रानी युग को हल्दी लगा देती है और कहती है कि उधर दीदी को हल्दी लग रही है तो इधर आपको मैंने हल्दी लगा दी। अब युग जो है रानी को शांत रहने के लिए कहता है और यहाँ पर रात भर जो है युग और कहानी आपस में फोन पर बात करते रहते हैं। उनके लिए ये पल बीतना बड़ी मुश्किल है क्योंकि दूसरे दिन ही युग और कहानी की शादी है। आपको बताते चले यहाँ पर युग की माँ बार बार ये सोच रही है कि आखिर वो कैसे युग को रोके क्योंकि इस बार युग का जो प्यार है उसके प्यार पर भारी पड़ चुका है। अब ऐसे में दूसरे दिन जब युग सुबह सुबह अपनी शादी के लिए निकलने लगता है तब युग की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं भी जाओगे गुंजन तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन यहाँ पर युग मना कर देता और कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरे साथ रानी जाएगी, गुंजन नहीं जाएगी। इस पर काफ़ी बहस होती है और फिर है युग कि आप मेरी माँ हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन आज्ञा को मानना नहीं मानना मेरे हक में है। अब आपको बता दें कि युग जो है वो रानी का हाथ थामता है और घर से बाहर जाने लगता है। यहाँ पर युग की माँ युग को रोकने के लिए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट आती है और उनके सर से काफ़ी खून निकल जाता है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जहाँ उनकी हालत बेहद ख़राब है, उन्हें खून की ज़रूरत है, जहाँ युग अपना खून देता है। और जब हालत थोड़ी सही होती है तो युग वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। इधर कहानी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है, युग का इंतजार हो रहा है, काफी देर बीत चुका है। बार बार जो कहानी युग को फोन कर रही है, युग का फोन स्विच ऑफ है। देखना दिलचस्प है कि युग कैसे उस जगह से निकल पाता है हॉस्पिटल से बाहर। युग निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और फिर अपने भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि कुछ ऐसा चमत्कार करे कि वो यहां से निकल जाए। वेल देखना दिलचस्प होता है कि कैसे युग और कहानी की शादी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, द ट्रेजरी न्यूज़।